हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी साबूदाना शरबत। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे पहली बार में ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम साबूदाना शरबत बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। हमने यहाँ आधा कप साबूदाना ले लिया है, इसे हम कढ़ाई में डालकर आधा ग्लास पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। हमने यहाँ साबूदाना को भिगोया नहीं है, लेकिन आप साबूदाना को एक घंटे पहले भिगा लीजिएगा, क्योंकि आप साबूदाना भिगा के उबालेंगे ना तो आपके साबूदाना 5 मिनट में पककर तैयार हो जाएंगे। हमने साबूदाना को नहीं भिगाया था, इसलिए इस साबूदाना को पकने में 15 से 20 मिनट का समय हमें लग जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊँ, ताकि आप अपने घर आसानी से बना सके। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। आप देख सकते हैं साबूदाना हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम साबूदाना को बाउल के ऊपर एक छलनी रख के इसका सारा पानी निकाल देंगे, आप देख सकते हैं, और इस पे एक गिलास ठंडा पानी डाल देंगे ताकि जो साबूदाने की कुकिंग है वो रुक जाए, साबूदाना हमारे ओवर कुक ना हो। अब हम साबूदाने को एक बाउल में निकाल देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम एक पतीला ले लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच जेली पाउडर डाल देंगे और इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे और इसे हम चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें इसे एक उबाल आने तक उबाल लेना है। हमने यहाँ जेली बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप ले सकते हैं। अब इसमें एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और निकाल के हमें इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। दोस्तों, प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाने में मेरा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 10 मिनट में अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, अब मेरे हाथों पर भी नहीं लग रहा है, ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। इसे हम चाकू की मदद से छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, हमने जेली के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। ऐसे ही जेली आप बना लीजिएगा। हमने यहाँ 1 लीटर दूध ले लिया है, इस दूध को हमने गर्म करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम 6 से 7 चम्मच रूअफ़ज़ा डाल देंगे। आपको मीठा कम या ज़्यादा पसंद है, आप अपने स्वाद के अनुसार रूअफ़ज़ा डाल दीजिएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमने जो साबूदाना उबाल के रखे थे, इसे हम 2 बड़े चम्मच इस दूध में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये साबूदाना ठंडा ठंडा पीते वक्त मुंह में आएंगे ना, तो ये जो साबूदाना शरबत है पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप ये साबूदाना शरबत अपने घर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साबूदाना के शरबत कैसे बने थे। अब हमने जो जेली बनाकर तैयार की थी, उसे हम इस दूध में मिला लेंगे। थोड़े से हम जेली बचा लेंगे बाद में गार्निश के लिए। इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम ये ठंडा ठंडा साबूदाना शरबत पीने के लिए सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं, 2 घंटे हो चुके हैं। फ्रिज में 2 घंटे रखने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़े हो गए हैं। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरी बेटी को तो रहा ही नहीं गया, उसने सर्व करने के पहले ही 1 ग्लास निकाल के पी लिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
आप देख सकते हैं हमारा जो साबूदाना का शरबत है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप ही साबूदाना का शरबत अपने घर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साबूदाना के शरबत कैसे बने थे। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ये भी बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। अगर दोस्तों आपको ये हेल्दी टेस्टी यम्मी साबूदाना का शरबत पीना है तो अपने घर बनाना तो पड़ेगा, तो आप अपने घर ये साबूदाना का शरबत बनाइए, खुद भी पीजिए, अपने परिवार को भी पिलाइए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।